बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साकेन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर क्लास फोर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल एट योर होम। ओके, लेट्स बिगिन आवर न्यू सेशन ऑफ साइंस। ओके, दिस इज आवर 33rd सेशन ऑफ साइंस। इन दिस सेशन वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, यूनिट 7, द स्टडी ऑफ मैटर। टुडे वी विल कंप्लीट द बुक एक्सरसाइज नंबर 4 एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन आवर कॉपी। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस कॉपी। ओके क्लास 4, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर साइंस कॉपी। इन योर साइंस कॉपी ओपन इंडेक्स पेज एंड ऑन अ न्यू लाइन मेक एन इंडेक्स एक्सरसाइज 4 एंड ब्लैंक्स यूनिट 7। Make index in two lines, write exercise 4 and blanks. We will complete exercise 4 from our book. बेटा बुक की एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4 जो है उसको हम कॉपी में कंप्लीट करेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स हम अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। लेट्स कम ऑन अ न्यू पेज। ओके, ऑन अ न्यू पेज राइट डाउन द डेट एंड होमवर्क। Then on a first line, write down the question of exercise 4. Exercise 4, give two properties for each of the following. आपने बेटा two properties write करनी है, solid, liquid और gases की। ठीक है, solid, liquid और gas की आपने two properties write करनी है। ठीक है, now all of you start from solid. Number 1, solid. Solid has a definite shape and a definite volume. Usually hard, the particles are tightly packed together. Okay, solids क्या होते हैं? Solids वो चीज़ें जो solid होते हैं उनका बेटा definite, एक तो volume होता है, definite shape होता है, definite volume होता है, एक प्रॉपर उनका शेप होता है, कोई किसी भी शेप में हो सकते हैं सॉलिड्स। या ये ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। ठीक है, वेट ऑक्यूपाई करते हैं ये और हार्ड होते हैं, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, वो लिक्विड लिक्विड फॉर्म में होता है। और गैस आपको पता है इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती, लेकिन स्पेस वो भी लेती हैं। तो सॉलिड जो है एक उनका प्रॉपर शेप होता है, कोई भी सॉलिड, जैसे आपकी बुक है वो सॉलिड है, जैसे आपकी डेस्क है वो सॉलिड मटेरियल है, कोई भी सॉलिड हो सकते हैं। दे आर यूजली हार्ड और वो हार्ड होते हैं, मतलब सॉफ्ट नहीं होते, दे आर हार्ड। और जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड में पार्टिकल्स होते हैं बेटा, वो टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? पैक्ड हुए हुए होते हैं, तो उनको जगह नहीं मिलती कि वो ईजिली फ्लो कर सकें, ईजिली मूव कर सकें। जैसे एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, एज़ कम्पेयर टू गैसेस, आपको पता है लिक्विड में फिर भी थोड़ी सी स्पेस होती है कि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और गैसेस में तो पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड्स में पार्टिकल्स टाइटली पैक होते हैं, इसलिए वो प्रॉपर शेप मेंटेन करते हैं और उसी शेप में रहते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, राइट देम। देन ओके क्लास 4, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, लिक्विड। वी विल राइट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड नाउ। ओके, लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज इन, इट फ्लोज बिकॉज द पार्टिकल्स मूव अराउंड ईच अदर। ओके बेटा, ये थ्री प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की, कि लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है। डेफिनेट वॉल्यूम मतलब एक वॉल्यूम होता है, मतलब वो कितनी जगह लेता है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब यही होता है ना, कोई चीज़ कितनी जगह लेती है। तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन उनका डेफिनेट शेप नहीं होता। वो बेटा जिस भी जैसे वाटर है, किसी बॉटल में है, मतलब कोई भी फनल में है या किसी भी कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, तो वो उसका शेप ले लेते हैं, वो उसी का शेप ले लेते हैं। जैसे कि आप मिल्क की बॉटल है, मिल्क की मतलब एक किलो की बॉटल अलग होती है, और मिल्क का अगर एक किलो का पैक है तो वो अलग है ना, अलग अलग शेप अलग अलग होते हैं, तो वो उसी का शेप ले लेते हैं। लिक्विड उनका खुद का डेफिनेट शेप नहीं होता, और वो फ्लो करते हैं। क्यों फ्लो करते हैं? क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो है
जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइटली पैक नहीं होते, उनमें कुछ स्पेस होती है, ठीक है, तो वो मूव कर सकते हैं अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के इर्द गिर्द मूव करते हैं, ठीक है, लिक्विड में पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ हैं, यू हैव टू राइट दैम। देन कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, गैस, इट हैज़ नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, इट ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर इट इज इन, इट्स पार्टिकल मूव अबाउट फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ओके बेटा, ये गैस की प्रॉपर्टीज़ हैं कि उसका ना तो फिक्स शेप होता है ना वॉल्यूम होता है, गैसेस आर इनविजिबल, बेटा हमें नज़र नहीं आती हैं गैसेस, लेकिन हमें पता होता है कि गैसेस मौजूद है क्योंकि हम फील कर रहे होते हैं उनकी स्मेल के थ्रू, गैसेस को फील किया जा सकता है। और गैसेस जो होती हैं बेटा वो ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब पूरा स्पेस लेती हैं, पूरी जगह लेती हैं, जैसे एक परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल, वैसे तो हमें गैसेस नज़र नहीं आती है ना, लेकिन परफ्यूम आप बॉटल को जब आप हिलाते हैं, आप चेक करते हैं, तो परफ्यूम जो होता है वो गैस फॉर्म में ही होता है, तो आप फील कर सकते हैं कि परफ्यूम बॉटल में है या नहीं है, है ना, तो परफ्यूम जो है गैस फॉर्म में हमें पता चलता है, तो वो पूरा पूरी जगह स्पेस जो है लेती हैं, गैस जो होती है वो स्पेस लेती है जिस भी कंटेनर में वो मौजूद होती है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में मौजूद है उसकी पूरी जगह लेगी। और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वो फ्रीली मूव कर सकते हैं हर डायरेक्शन में, दूर दूर तक जाते हैं गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। देन कम ऑन अ न्यू पेज, ओके, on a new page write down the heading, fill in the blanks, write down the date and homework, and then write down the heading, fill in the blanks. Okay, blank number 1, dash is the study of substances, their properties and effect on each other. Beta कौन सी मतलब किसको कहते हैं हम स्टडी, जिसमें हम करते हैं प्रॉपर्टीज़, कौन से सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज़ को और उनके इफ़ेक्ट्स को, एक दूसरे पे जो इफ़ेक्ट होते हैं, तो हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, कौन सी ब्रांच में ऑफ स्टडी करते हैं, साइंस की, केमिस्ट्री में। बेटा साइंस आपको पता है एक सब्जेक्ट है, आप जैसे आपको साइंस में पढ़ा रही हूँ, ये आपका सब्जेक्ट है, साइंस के फर्दर जो है ब्रांचेस हैं, यानी कि आप कह लें ग्रुप्स हैं, टाइप्स हैं, तो उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होती है, मतलब तीन जो है ब्रांचेस, उसके अलावा भी ब्रांचेस हैं साइंस की, लेकिन अभी हम आपको जो पढ़ाए जा रही हैं आपकी बुक में जो चैप्टर्स हैं वो रिलेट करते हैं केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से और फिज़िक्स से, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका सॉलिड लिक्विड गैसेस का, ये आपका चैप्टर है रिलेटेड टू केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या चीज़ें स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, जैसे हमने सॉलिड लिक्विड गैसेस की अभी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, ठीक है, और उनका इफ़ेक्ट, मतलब उनका आपस में इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। नाउ कम ऑन ब्लैंक नंबर 2, द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व्स इज कॉल्ड द सॉल्यूट। जब बेटा हम डिज़ोल्व करते हैं, जब मतलब हम पानी में कोई चीज़ डिज़ोल्व कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ जो डिज़ोल्व हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। देखिए जैसे सॉलिड, यहाँ पे सॉल्यूट की एग्जांपल होगी जैसे शुगर या फिर सॉल्ट, क्योंकि वो सॉल्यूट हैं और वो डिज़ोल्व हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। जो सब्सटेंस डिज़ोल्व होता है, जो डिज़ोल्व हो जाता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ओके, यू हैव टू राइट द ब्लैंक सॉल्यूट। देन कम ऑन नेक्स्ट ब्लैंक, द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। और वो लिक्विड जिसमें सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जिसमें जो डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, जो डिज़ोल्व करता है अपने अंदर वो लिक्विड, जैसे कि पानी, लिक्विड की एग्जांपल क्या होगी यहाँ पे, पानी, कि पानी अपने अंदर जो है शुगर को डिज़ोल्व कर लेगा, ठीक है। इन विच अ सब्सटेंस इज डिज़ोल्व, कौन सा सब्सटेंस, सॉल्यूट, सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है
सॉल्वेंट में, फिर बनाता है सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन, फिर एक सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने राइट करना है ब्लैंक में सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। नाउ ब्लैंक नंबर 4, द गैस इन फिजी ड्रिंक्स इज कॉल्ड, जो फिजी ड्रिंक्स में जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनमें जो गैस डली हुई होती है वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ड्रिंक के अंदर फिज और बबल्स आ जाते हैं। बेटा बबल्स जो आपने देखा होगा ना, मतलब थोड़ी सी जब हम कोल्ड ड्रिंक नई नई वो ओपन करते हैं, जब उसका कैप करते हैं तो वो तेज़ होती है, थोड़ी सी उसका टेस्ट में तेज़ी होती है, तो वो गैस की वजह से होती है। कौन सी गैस की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से, ठीक है, और उसकी वजह से बबल्स भी बनते हैं, ठीक है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक, ब्लैंक नंबर 5, इफ अ सब्सटेंस does not dissolve in another substance, it is called insoluble. अगर substance दूसरे substance में dissolve नहीं हो सकता, उसे हम क्या कहते हैं, insoluble कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, insoluble। जैसे आप example ले सकते हैं, the sand in water cannot be dissolved. जो सैंड होती है, मिट्टी जो है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगी, तो हम ये कह सकते हैं द सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वी कैन से दैट द सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सैंड जो है सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है, तो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। पानी में डिसॉल्व, कुछ चीज़ें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पानी में डिसॉल्व नहीं होती। जो डिसॉल्व हो जाती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, जो डिसॉल्व नहीं हो सकती वो क्या है, इनसॉल्युबल। ओके, नाउ कम ऑन ब्लैंक नंबर 6। ओके, द प्रोसेस विच चेंजेस लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज एवेपरेशन। वो प्रोसेस जिसके थ्रू लिक्विड जो है गैस बन जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवेपरेशन। जैसे इसकी एग्जांपल क्या होगी, इसकी एग्जांपल मैंने बेटा आपको एक्सप्लेन की थी, हम पानी को बॉयल करते हैं, पानी को इतना बॉयल करते हैं कि वो एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेट हो जाता है यानी कि गायब हो जाता है, गैस बन जाता है। तो पहले पानी जो है लिक्विड फॉर्म में था, अब पानी जो है गैस फॉर्म में आ चुका है। ये किसकी वजह से हुआ है, कौन से प्रोसेस की वजह से हुआ है, एवोपरेशन के प्रोसेस की वजह से हुआ है। बेटा आप मोपिंग करते हैं, आप फ्लोर पर मोपिंग करते हैं, पानी होता है, फिर आप देखते हैं कुछ टाइम के बाद पानी गायब हो जाता है। कहाँ जाता है वो पानी, वो बेटा एवोपरेट होता है, और वो कहाँ चला जाता है, वो बेटा एयर में चला जाता है। एवोपरेशन की वजह से गैस बन जाता है, एयर हैज़ वाटर वेपर, एयर में बेटा वाटर वेपर होता है ना, तो वो वाटर वेपर बन चुका है। अब जो है लिक्विड जो है वो आपका चेंज हो गया है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एवोपरेशन। अब किस में चेंज हो गया है, लिक्विड से वो गैस में चेंज हो गया है, और कौन से प्रोसेस की वजह से हुआ है, एवोपरेशन के प्रोसेस में। और एवोपरेशन के प्रोसेस में बेटा जो है बॉइलिंग मतलब हीटिंग ज़रूरी होती है, हीट करते हैं हम, हीटअप करते हैं। और अगर वो होती है, अगर वैसे ही पानी जो एवोपरेट होता है, तो वो सनलाइट की वजह से होता है, मतलब सूरज की गर्मी जो होती है उसकी वजह से एवोपरेशन होती है, ठीक है। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक, ब्लैंक नंबर 7, when two or more than two substances mix together it form a mixture. जब दो या दो से ज़्यादा substances mix हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, mixture. जैसे एक यहाँ पर example आप ले सकते हैं, हम बनाते हैं शरबत, बनाते हैं टैंग जूस बनाते हैं, तो हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड करेंगे, पानी में बेटा हम टैंग डालेंगे और शुगर डालेंगे, तीन चीज़ें हैं ना, टैंग अलग है और फिर शुगर अलग है और पानी है, तीन चीज़ें, हम इनको तीनों को मिक्स करेंगे तो हमारा शुगर मतलब टैंग का जूस बनेगा। तो इसको हम कह सकते हैं मिक्सचर, इसको हम क्या कहते हैं, मिक्सचर, मतलब चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो एक मिक्सचर हो जाता है, ठीक है। आप जो है एग जो है आप जो है उसको क्या करते हैं, फेंटते हैं, मतलब अंडा जो है उसके अंदर आप नमक डालते हैं, तो वो एक नमक और अंडा दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। इसी तरह कोई भी बेटा एग्जांपल हो सकती हैं जिनमें हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हैं और एक मिक्सचर बना लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को लेके ब्लेंड किया जाता है एक साथ, ठीक है।
Now come on the next blank. Blank number 8. Evaporation is a method of separation used to separate soluble solid from a liquid. Evaporation कौन सा method है जिसमें separation होती है, जिसमें हम separate करते हैं कौन सा solid, जो soluble solid है, जो soluble already dissolve हो चुका है पानी में, जैसे कि नमक, जो आपका salt है वो dissolve हो जाता है पानी में, soluble है, मतलब वो इनसॉल्यूबल नहीं है, सॉल्यूबल है, ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है पानी में. अब उसको हमने वापस लाने के लिए, हम अगर वापस चाहते हैं कि सॉल्ट वापस आ जाए, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवोपरेशन का. कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एवोपरेशन का, जिसमें से हम सॉल्यूबल सॉलिड को अलग कर सकते हैं. ठीक है, वरना जो इनसॉल्यूबल था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आप अगर मिट्टी, आप पानी के अंदर मिट्टी है, आप उसको अलग करना चाहते हैं, तो आप फिल्टर करेंगे पानी को. ठीक है, तो यहाँ पे हमने, क्योंकि वो डिसॉल्व नहीं हुई है पानी के अंदर, डिसॉल्व नहीं हुई, तो वो ईजिली फिल्टर के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू आप उसको कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे पानी और पानी में ऑलरेडी सॉलिड डिसॉल्व हो चुका है, सॉल्यूबल सॉलिड को अलग करना है, तो आपने एवोपरेशन का प्रोसेस मेथड यूज़ करना है. Now come on the next blank. Blank number 9. Chalk powder can be separated from liquid using a method known as filtration. अब chalk का powder है, chalk जो आपके स्कूल में chalk होती थी ना, आपने देखी होगी chalk powder, वो आप separate करना चाहते हैं liquid से, पानी से अलग करना चाहते हैं, तो आप कौन सा method use करेंगे, filtration का, क्योंकि chalk is insoluble in water. चौक जो है डिसॉल्व नहीं होती है पानी में, इनसॉल्यूबल है, उसको आपने अलग करना है, तो आप फिल्ट्रेशन के मेथड से कर सकते हैं. जिस तरह सैंड को आप कर सकते हैं, इसी तरह चौक पाउडर को भी कर सकते हैं. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक. डिकेंटेशन मेथड ऑफ सेपरेशन इज यूज टू ड्रेन वाटर फ्रॉम राइस. कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे जब हमने करना होगा ड्रेन वाटर फ्रॉम राइस, पानी को ड्रेन करना होगा राइस में से, मतलब अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा, तो हम डिकेंटेशन का प्रोसेस करेंगे, जिसमें हम जिस भी कंटेनर के अंदर जो है बेटा हमारे पास चावल और पानी होंगे, पानी है, उसको हम अलग करेंगे, मतलब हम थोड़ा सा टिल करेंगे उस कंटेनर को, और पानी जो है अलग हो जाएगा, मतलब हम उस पानी को अलग कर लेंगे, दूसरे जो है कंटेनर में ले लेंगे. ठीक है, और राइस जो है बेटा नीचे, क्योंकि सेटल डाउन हो जाता है राइस, हैवी सॉलिड मटेरियल्स हैं, तो वो नीचे सेटल हो चुके हैं, तो इस तरह पानी जो है उनमें से अलग हो जाएगा, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा, डिकेंटेशन का. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड ऑल द मेथड्स दैट आई हैव एक्सप्लेन यू. ओके, यू हैव टू कम्प्लीट एक्सरसाइज 4 एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन योर कॉपी with very good handwriting. The session of science has been completed now. We will do book exercises of this unit in our next session. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz, class 4.